अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मॉडर्न बेंगलुरु अपार्टमेंट टूर। तो देखते हैं वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। भाई क्या कर रहा है? अब ये है जी वो मॉडर्न बेंगलोर। अबे भाई क्या कर रहा है? दो भाई अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। तो ये भाई मास्टर बेडरूम है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। हम जा रहे हैं एक और जगह बेंगलोर की। एक बड़ा ही खूबसूरत टाउन है यहाँ पे, भारतीय सिटी। जो लोग बेंगलोर से वाकिफ है उन्हें पता है भारतीय सिटी बड़ा ही मॉडर्न और एडवांस जगह है। वहाँ पे भी लीला पैलेस है, मॉल है। तो रास्ते में थोड़ी सैर कराते हैं आपको, फिर वहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये रास्ते की जो सैर है और कमेंट्री चलती है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। थैंक यू भाई, ऐसे ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स में बताएं और कौन सी जगह जा सकते हैं। अच्छा भाई, एक जगह हम जा रहे हैं, निकू होम्स। सामने आली रोड पे आप देख सकते हैं कैसे गहमा गहमी है, लोग शॉपिंग में मसरूफ हैं। तो जिस गाड़ी में इस टाइम हम बैठे हैं वो है इंडिगो। और यार इतनी छोटी गाड़ी और डीजल, वाह रे वाह, जबरदस्त। क्या नाम है भैया आपका? हैं प्रकाश भाई। तो वो प्रकाश राज जो है एक्टर, वैसे भैया का चेहरा सचमुच में प्रकाश राज से मिल रहा है। तो भाई ओल्ड बेंगलोर से न्यू बेंगलोर की तरफ हमारा सफर जारी था, बहुत ही अच्छे नज़ारे थे। साथ में प्रकाश भाई से गपशप हो रही थी, बहुत ही इंजॉय कर रहा था मैं इस बेंगलोर की राइड को। तो एकदम एक मॉडर्न एरिया शुरू हो जाता है सडनली, फिर एक बाजार आ जाता है, फिर एक कोई रोड आ जाती है। आप इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक होता है ना डिफरेंट सिटीज में है, जाल बेलू बिहार, ये ऊपर देखें आप अपार्टमेंट यहाँ बड़े खूबसूरत होते हैं। तो जहाँ अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ही हाई क्लास खूबसूरत अपार्टमेंट्स आएंगे। थोड़ी गाड़ी के बारे में पूछते हैं, भैया कौन सा ईयर है गाड़ी का? 15। अच्छा 15 है। और ये कितना माइलेज है इसका? 1 लीटर में डीजल में कितना खर्चा है? 18। अरे यार ये टाटा वालों ने जबरदस्त बनाया, तो हाइब्रिड है जबरदस्त। 22। तो रोड तो सारा ही नाइस है, मतलब लॉन्ग रूट में। यार ये तो इलेक्ट्रिक कार क्या लेनी है, टाटा इंडिगो पकड़ो भाई। ये तो यार हाइब्रिड टोयोटा है, जो कैमरी शैमरी है, जो लोग इतनी महंगी ले रहे हैं। जबरदस्त यार इंडिगो, और 2015 इंडिगा। अच्छा इंडिगा आईफोन रखा है भैया ये प्रकाश भाई। हम कह रहे हैं आईफोन लेंगे काम। ये भाई इंडिगो का ड्राइवर है। तो भाई भारतीय सिटी बेंगलोर में आ गए हैं, थोड़ा मॉडर्न बेंगलोर शुरू हो गया है, लेकिन अपार्टमेंट इतने बड़े बड़े मैसिव अपार्टमेंट सामने नजर आ रहे हैं। यार बहुत बढ़िया, बहुत मस्त होते हैं प्रकाश भाई। बताए मूवी देखते हैं कौन सी? डंकी आई है नेटफ्लिक्स पर। फेवरेट मूवी कौन सी है? वो आप के हैं कौन? क्या बात है सर, आप के हैं। हम जिसका आया उसके साथ रह रहा है, हम आपके हैं भाई, आप के हैं। तो
उधर वो सेफ्टी मेजर आपने देखे तो इधर चेक करो, अरे भाई क्या कर रहा है वो सपने में चढ़ा हुआ, कोई बेल्ट शेल कुछ नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस वो योर रिलैक्स भाई भाई कमाल कमाल स्टेशन करीब है यहाँ से स्टेशन, ये देखें एकदम मॉल आ गया बड़ा, बेशक ये छोटा एरिया भी है उससे एकदम इतने बड़े बड़े मॉल आए, क्या बात है, कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, बहुत पैसे दे रहे हैं बिल्डिंग पर, तो भैया एकदम राइट टर्न से लेफ्ट टर्न लिया है, ये देखो एकदम भाई चेंज हो गई दुनिया, ऐसा लग रहा है किसी और स्टेट में आ गए हैं या कंट्री में आ गए, वही साइकिलें साइकिलें रिक्शे वही दुकानें, तो अपना मजा है इस, ये वाइब एक अपनी है, वो एक अपनी है, टमाटो वाला देखे जा रहा है ये, लेकिन पाइनएप्पल यहाँ बड़ा फेमस है, ये लोगों ने पाइनएप्पल लगाया 30 रुपये का एक पीस, अब ये तो सस्ता है यार, ये मार्केट है हार्डवेयर हार्डवेयर मार्केट, तो वही टनल में जा रहे हैं बेंगलोर में एकदम रोड से टनल में आ गए हैं, कितना खूबसूरत इन्होंने इस तरह से ये किया यार दीवारों को, भैया ये होटल वालों की टनल है ये मेन रोड है होटल का, यार ये देखो कितना बड़ा इन्होंने रूम बनाया हुआ होटल वालों, तो भाई हम बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न बेंगलोर में दाखिल हो चुके हैं और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ यार यहाँ के नज़ारे देख के, आईटी ऑफिसेज हैं सारे, इनके मेन जो हेड ऑफिस हैं कर्नाटका के और पूरे एरिया के, तो ये है और यहाँ ट्रैफिक भी बहुत कम है, सही जगह पे आए हैं मॉडर्न इंडिया, यही हम चाह रहे हैं मॉडर्न बेंगलुरु, सेफ्टी और ये रिवर्स आ रहा है, अबे भाई क्या कर रहा है ना का ये स्टूडियो क्या नाम है मालूम, अच्छा वाला रोड है नाम, अच्छा वाला ये भी नई बड़ी सी हाई राइज बिल्डिंग है, वाह यार बड़े बड़े मैसिव इनकी पार्किंग बिल्कुल ऐसे जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में होता है, फॉरेन कंट्री लग रहा है, ये गाड़ी आगे आ गई है उसकी अपनी एक वो है खूबसूरती, और ये जो है यहाँ पे टेनिस कोर्ट है, बहुत प्यारे प्यारे रास्ते हैं, क्या बात है, हर डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज, ये नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होगी, और ये देखे सडन वो दुबई राज भाई का घर यहाँ पे, भाई ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेंगलोर आए और एयरपोर्ट पिकअप हो कोई भी तरह का काम हो, प्रकाश भाई नंबर वन हर जगह पता है इन्हें, तो भाई ये थे प्रकाश भाई, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े खुश हुए, नंबर देके गए, इन्होंने कहा कि भाई आपको ज़रूरत हो तो आना, भैया प्रकाश भाई के साथ बहुत ही मज़ा आया बेंगलोर की सैर करने का, अब हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं, और प्रकाश भाई ने कहा अगर बेंगलोर में कहीं भी जाना है तो भैया आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, तो भी अपार्टमेंट में पहुँच चुके हैं फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ इंडिया में, इससे अपार्टमेंट में मूवीज में देखे इस तरह के,
यार पाकिस्तान में अपार्टमेंट्स का कल्चर उस तरह से देखने को नहीं मिलता जैसे मुझे इंडिया में देखने को मिला है। मोस्टली लोग स्पेशली लाहौर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे लोग घर प्रेफर करते हैं सिंगल या डबल स्टोरी हाउस। शायद इसलिए मुझे यहाँ पे अपार्टमेंट्स देख के बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ही खुशी फील हो रही थी। अपार्टमेंट का आपको विजिट भी करवाएंगे, बहुत ही अच्छे खूबसूरत सारी फैसिलिटीज मौजूद है, हम देख बहुत प्यारी जगह है। तो ये 26th 27th फ्लोर्स का ये बना हुआ है और सामने इस अपार्टमेंट की बैक साइड पे लीला पैलेस है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये देखें, चारों तरफ आपके पास अपार्टमेंट का व्यू और नीचे वो देखें आप पूल बना हुआ है, ये देखें पूल बना हुआ है, सामने टेनिस कोर्ट है, इसके बिल्डिंग के पीछे जो है वो फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, ये देखो बच्चों का छोटा सा ग्राउंड, हर अपार्टमेंट से सामने ऐसे पार्क से बने हुए स्लाइड हैं जिनके बच्चे खेल रहे हैं, वॉक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत यहाँ सिस्टम सारा बनाया गया। तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं कभी इस तरह के अपार्टमेंट से पहले नहीं गया। हमारे वहाँ नॉर्मली घर होते हैं, इंडिविजुअल हाउसेज होते हैं, आपको पता ही है जो भी पंजाब से और मोस्टली पाकिस्तान से लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपार्टमेंट कल्चर है जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारे बने हुए हैं करते हैं और गवर्नमेंट भी उस पर जोर देती है कि हाउस अगर आप लेना चाहें तो यहाँ इम्पॉसिबल है। ये अपार्टमेंट जी करोड़ों रुपए का एक यहाँ पे फ्लोर आपको मिलेगा, तीन बेडरूम चार बेडरूम का। तो हाउस आप सोच रहे हैं, हाउस तो मैंने कहा इस जगह पे 25-25 करोड़ का शायद ही घर बनेगा अगर आपने तीन लैंड पे घर बना रहे हैं। अच्छा भी घर में काम चल रहा है तो कुछ काफ़ी लोग भी मौजूद है, लेकिन मैप दिखाने के लिए खाली घर है आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। तो दो से तीन कमरे जो हैं उनकी ये फेसिंग है आउटसाइड, यहाँ से आप अपने बेडरूम से जब आप शेल्टर में आएंगे तो ये व्यू आपको नज़र आने वाला है, ये व्यू आपको नज़र आने वाला है। तो अब आप ये देखें बिल्डिंग्स वाला, और अब आए आपको हम दूसरे कमरे दिखाते हैं। तो पहला कमरा ये है, डबल बेड है, ज़बरदस्त यार आप देख सकते हैं, खुला डुला दो कमरे यहाँ पे, इस तरह के अपार्टमेंट के कमरे होते हैं। और आए अब आपको अगला कमरा और दिखाते हैं बाथरूम कैसे, बड़ी रेनोवेशन जोरों शोर से जा रही है तो लाइव आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें ज़रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये भाई मास्टर बेडरूम है, आगे मास्टर बेडरूम, वाह इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें कोई बालकनी नहीं है। अगर यहाँ बेड बिछा हुआ है ये भाई इसकी क्वालिटी है कि आप अगर बेड यहाँ बिछा हुआ है तो बेसिकली आप 16-17 माले पे मौजूद हैं और आप आके फुल बेड में यूँ करता देखते हैं तो ओके मैं कहाँ पे आ गया। ये इसकी क्वालिटी है कि आगे बिछा हुआ है, इसमें सेफ्टी तो है, एक डिफरेंट तरह के व्यू है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मास्टर बेड है, बड़ी बड़ी कवर्स लगी हुई है आप देख सकते हैं। जब लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो ज़्यादा सामान नहीं रखते, तो इसलिए इनकी कवर्स इतनी ही होती है, क्योंकि इसमें जगह जो है स्पेस उतनी बड़ी नहीं होती जैसे हमारे घर में होती है। तो आए हम आपको दिखाते हैं इसका टेस्ट बाहर। तो ये पर्टिकुलर अपार्टमेंट भाई अंडर रेनोवेशन था, थैंक्स टू ऑनर जिन्होंने हमें अलाउ किया इसको थोड़ा सा देखने का और विजिट करने का। कार्तिक तो आ रहा है ऑलरेडी, कार्तिक आ रहे हैं यहाँ से लाइट ज्यादा आ रही थी तो ये दो तरह के व्यू है, एक तो है भाई जो मैंने आपको दिखा दिए जिनका बिल्डिंग्स का व्यू है, दूसरे अपार्टमेंट्स का, और एक ये था। अच्छा भाई ये इनका मेन हॉल है, ये मेन हॉल है, तो किचन और एक कमरा और एक मेन हॉल ये फेस कर रहे हैं उन बिल्डिंग्स को और बाकी कमरे पीछे हैं। तो इस तरह होता है भाई, ये यहाँ पे किचन है, बड़ा खूबसूरत किचन बन रहा है, हर जगह रेनोवेशन जा रही है, किचन का व्यू भी देखें। और ये अगर आपका कोई हेल्पर है घर में, कोई शेफ है, कोई कुक है, ये उसका छोटा सा रूम बनाया हुआ है, ये देखें
एक ऊपर टॉयलेट है, इस सेपरेट एंट्री के साथ बहुत जाती तो वन बेड यहाँ पे आ सकता है। तो हर वन बेड है, सही है। फिर भी बेसिकली ये किचन है और ये इनकी मेन एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं, मेन एंट्रेंस है और यहाँ से आए और आप ये देख सकते हैं बहुत आला भाई। तो एक घर में यहाँ जहाँ रेनोवेशन हो रही थी उनसे मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा ठीक है आप दिखा सकते हैं। तो ऐसे होते हैं भाई अपार्टमेंट, तो भी ट्राई करेंगे आपको फर्निश का अपार्टमेंट भी दिखाएं। लो भैया अभी मौजूद हूँ मैं एक बालकनी में और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पूरे ऊपर छत पे चढ़ गए, क्या बात है, ब्यूटीफुल है, अलग ही किस्म की वाइब है यार। और उस तरफ जो है उस तरफ भी न्यू बैंगलोर ही है, बड़े बड़े रेजिडेंशियल यहाँ पे अपार्टमेंट्स है, वो मॉल बना हुआ है वहाँ का भी आपको विजिट करवाएंगे। तो भाई लेकिन ये बालकनी में खुरा भी दिया था जिसके बाद खुरा नहीं है, जब के रोने के लिए खुरा हर जो बिल्डिंग बनाई हुई है ब्लॉक छोटा सा थिएटर है, मेरे थिएटर है अभी आपको बुक करवाना पड़ेगा, आप वो बुक होते 10-15 लोगों के लिए होता है, तो चाबी से खोलें और जाके अपनी मूवी इंजॉय करें। हर तरह की फैसिलिटी दी हुई है, अभी मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा इधर ही दिया हुआ थिएटर मूवी देख, ये देखें अपार्टमेंट्स के जो 3-4 बिल्डिंग है उनके बीच में कमाल के हैं यार अपार्टमेंट हैं, थ्रू आउट द वे नीचे देखे आपने बस ऊपर आए तो उसमें टाइम लग जाता है, ये देखें इस तरह ये बिल्डिंग के बीच में उन्होंने एक ऐसे बनाया हुआ एरिया और इसमें आप बड़ी अच्छी हवा चलती है क्योंकि ज़्यादा काफ़ी हाइट पे है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ओए हो आप ऊपर से पीछे होकर दिखाओ, पीछे खड़ा कैमरा आ गया है देखा, ये रहा हम इस पे हैं बेसिकली, तो ये देखिए अच्छा इस पे थोड़ा ग्रीन है और इस तरफ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप अपनी कोई फंक्शन वगैरह हो लोग सिटिंग भी कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे अपार्टमेंट होते हैं, देखिए लोगों ने कैसे अपने सेट किए हुए हैं, देखिए अपने पौधे रखे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं लोगों ने, यहाँ से नज़र नहीं आता बहुत से लोग बैठे हुए हैं, देखिए ये भाई साहब अपना व्यू ले रहे हैं, आए ओ स्वाद तो ये ले रहे हैं असली, आंटी बैठी हुई है, ये देखें लोगों ने कपड़े सुखाए हुए हैं। कराची में हमारे फिर भी अपार्टमेंट होते हैं लेकिन पंजाब साइड पे बहुत ही देर, लेकिन यहाँ तो थ्रू कराची में है एक बार वो भी दिखा, सिटी में अपार्टमेंट ही नजर आएंगे, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, सही है इसका बहुत ही रेयर है यहाँ पे, ये देखें नो बच्चे खेल रहे हैं, पूरा सिटी का व्यू करवा रहा हूँ आपको, बेंगलुरु जो बेंगलोर के नाम से ही मशहूर है, ये देखें भाई टावर्स के नीचे ये इसका ग्रोसरी स्टोर है, बिल्कुल लिफ्ट से नीचे आए विद इन प्रॉब्ली 30 seconds अवे, और ये डिफरेंट शॉप्स हैं, ये मिठाइयों की दुकान है, बेकरी है, तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको, कम्युनिटी यहाँ रात को निकलती है डॉग शॉर्ट वॉक कराने, स्पोर्ट्स करने, स्विमिंग करने और वो खेलने बच्चों के साथ, बड़ा ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है, कंप्यूटर का इन्होंने लैब सी भी बनाई हुई है बहुत अच्छा। टावर्स के लिए देखें बेसमेंट में दर्जी भी मौजूद है, वाह कपड़े शपड़े ऑर्डर कराने, ये देखें एक कैफ़े कॉफ़ी शॉफी स्नैक्स अगर आपका दिल कर रहा है वो भी मौजूद है, ये देखें स्टॉल्स लगे हुए हैं डिफरेंट एक्टिविटीज बच्चों के लिए, तो बेसिकली सारी फैसिलिटीज दी हैं और हॉस्पिटल क्लिनिक 24 hours डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखें और ये पार्क्स हैं, तो बहुत ही मतलब एक फील आ रही है डिफरेंट तरह की, और ऐसा नहीं आपको बाहर जाना पड़ेगा, बहुत सी एक्टिविटीज है, ये देखो भाई स्टॉल्स आपको लेके चलते हैं, एक नायाब के नाम से स्टॉल नज़र आ रहा है, देखते हैं क्या है वहाँ पे, खाबे शाबे नज़र आ रहे हैं, आपको पता है जहाँ खाबे नज़र आए वहाँ आपके मुखी भाई सबसे पहले पहुँचते हैं, खुशबू आ जाती है, वाइब नज़र आ जाती है, तो आए देखिए बच्चों का हार्ट का मोटू की तरह सूंघ लेते हैं, तो वाह भैया मज़ा आ गया,
क्योंकि मेले का जो समान है देखिए ऊपर आप चारों तरफ के बाथरूम और वो देखना भाई ऊपर ना गिर जाए। आज हम देखते हैं नवाब वालों के क्या दे रहे हैं नया। तो भाई ये फ्राइड राइस है इनके पास, चिकन है, डिफरेंट आइटम जैसे मैंने पहले दिखाया बेंगलोर में एक प्लेट ढाल है, हर चीज का एक पोर्शन बना के देते हैं तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कितना पोर्शन मिलेगा, कितने राइस मिलेंगे। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है, एक आप समझते हैं डिस्प्ले के तौर पर बना के देते हैं, बहुत फ्रेश बन रहा है सारा। और आगे भी आगे दिखाते हैं आपको। अच्छा भाई ये बहुत सारी चीज़ें पड़ी और ये मेन्यू है, ये देखें भाई मेन्यू ज़बरदस्त। तो ये लाइव बुफे टाइप लगा हुआ है इनका, ये चिकन कबाब ठीक है, जीरा राइस, वो पूरा बुफे सिस्टम है भाई। अच्छा ये देखें मैक्सिकन विंग्स मोशी भाई अपना भाई, और ये आपके भाई यहाँ से आप मजे ले। और देखे आगे और भी चीजें हैं, स्प्रिंग रोल, फ्राइड राइस, वेज बिरयानी, वेज बिरयानी, ओह ये चिकन, एंड दीज आर द डेजर्ट्स, ये डेजर्ट बैंगन का सालन, अच्छा अच्छा फ्रेश ब्लॉक नो सी है। अच्छा ये एवरीडे होता है क्या है? तो भाई मुझे बताया गया ये परमानेंट स्टॉल नहीं था यहाँ पे, ये लोग प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं और मज़े मज़े के खाने बेंगलोर की डिफरेंट लोकेशन में सर्व करते रहते हैं। तो मैक्सिकन स्टाइल की चीज़ें भी हैं, चाइनीज़, इंडो चाइनीज़, देसी, बहुत कुछ। तो भाई ये आपको दिखा रहा हूँ ये सब भाई खाना भाई हो रहा है, कोई चीज़ तो खा नहीं रहा। अपार्टमेंट्स के नीचे, अपार्टमेंट्स के नीचे हो रहा है। तो भाई यार लाइट बड़ी कम है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ आप इधर की भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देखें बिरयानी बहुत भूख लग रही है, बड़ी फिट लग रही है, थोड़ा सा ऊपर से रायता डाला है। रिएक्शन देखने दो भाई का, एक और बाइट, फिर बोले बड़ा चिकन लेते हैं, ये रहे चिकन में अच्छा डाल रहे हैं, चिकन रायता और आप सही भाई। मैं इस तरह अपार्टमेंट के नीचे इतनी अच्छी बिरयानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये वाला रिएक्शन बहुत महंगा है, बहुत महंगा है उनका रिएक्शन, क्योंकि पैसे भर के आता है ये रिएक्शन। लेकिन यार आज का बेस्ट व्लॉग था, पिछले व्लॉग में हमने बोला कि मोशी भाई जाएं कोई एक सिटी हमें दिखाएं, वहां जाकर विज़िट करें, प्यारी प्यारी प्लेसेस वो दिखाएं। और आज मोशी भाई ने जैसे हमारी वीडियो देख ली थी और साथ ही उन्होंने रिक्वेस्ट सुन ली और अब आकर उन्होंने एक अपार्टमेंट दिखाया, लेकिन रास्ते में काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें दिखाई है, प्यारे प्यारे रोड, प्यारी प्यारी एक प्लेसेस, एक उससे हटकर जो एक वहाँ पर एक स्टॉल लगे हुए हैं, हर तरह से चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। बिल्डिंग्स बहुत प्यारी हैं, एक लोग बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत, एक उनकी नेचर बहुत अच्छी है, वे ये वाली चीज़ें जब देखते हैं तो एक अच्छा लगता नहीं, बाकी सही बात है। लेकिन अब देखो ना एक किस देश से भी बंदा है ना, जब वो एक बेंगलुरु की मॉडर्न सिटीज़ देखता है ना या मॉडर्न एरिया, तो वो एकदम से भूल जाता है, चाहे जिस देश से भी, यहाँ तक के अमेरिका के भी लोग आते हैं जब वो एक बेंगलुरु में आते हैं ना या साथ इंटर होते हुए, भाई वो उनका एक सही होता है, मतलब कि रिव्यू देखने वाला कि वो कैसे एक फील करते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक आपको एक मॉडर्न के तौर पर नज़र आएगी, चाहे कोई अपार्टमेंट है, चाहे एक कल्चर आप देख लें, एक लोग देख लें, तो काफ़ी एक मॉडर्न एरिया। और बेंगलुरु की बहुत सी चीज़ें नहीं साइड मतलब के मॉडर्न है, वो एक दफ़ा तो हमने वो नदियां वगैरह भी देखी थी, वो तो पूरा नज़ारा था। नहीं आप उस साइड के ऊपर भाई जा रहे हैं और आस्ता आस्ता एक जो हम टारगेट सोच रहे थे ना उस साइड के ऊपर उनका एक मूव है, और उम्मीद है कि वो चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन ये कि नेक्स्ट वो बता भी रहे हैं कि वो किसी मॉल में जाएंगे, शॉपिंग मॉल, और हम चाहते हैं यार ये जाएँ ज़रूर, एक पाकिस्तान के लोग देखें वहाँ पर कि किस तरह एक चीज़ें जो है ना वो चेंज हो चुकी है, मतलब चेंज हो रही हैं, और वहाँ पर लोग
किस हद तक अप टू डेट हो चुके हैं। लेकिन ये अपार्टमेंट के हवाले से बात करें तो हमारे पंजाब में बाकी इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर हाँ, अगर सिटी एरियाज में अगर देखें ना, तो वहाँ पे भी घरों का है और अपार्टमेंट जस्ट जो है ना वो एक मार्केटिंग के लिए है, या एक शॉप्स वगैरह जहाँ पे मतलब एक मेन सिटी एरिया जो होता है ना, वहाँ पे उन्होंने 5-6 फ्लोर 10-12 फ्लोर तक जो है ना वो दुकानें ही जस्ट बनाई होती हैं, और उसके अलावा एक रहने के लिए कोई रैशी कोई इस तरह का नहीं सीन। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ एक बेस्ट है। आप देख लो कि उन्होंने कितनी बड़ी एक मकदार में, और देख लो कि एक 25-26-30 तक उन्होंने फ्लोर बनाए हुए हैं, और पूरा पूरा एक घर टाइप जिसमें रूम बेड हैं, और उसके अलावा जो भी वहाँ पे आपको एक हॉल भी मिलेगा जिसमें आप एक ड्राइंग रूम या सारी चीज़ें, और उसके अलावा बालकोनी वगैरह हर चीज़ जो उन्होंने दे दी है। ये एक ईजी है, एक बंदा जो मतलब मे भी ये आप किराए पे भी होते होंगे या वैसे अगर कोई परचेज करना चाहे तो वैसे भी ले वैसे सकता भी है। हाँ, लेकिन ये एक अच्छा कंसेप्ट नहीं, हमने पीछे एक देखा था ना कि एक रेट काफ़ी हाई होते हैं भाई एक अपार्टमेंट के, वो तो हमने वो देखी थी वीडियोस में थे घरों के। हाँ। लेकिन एक बेंगलुरु भी भाई इसमें कोई शक नहीं मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न है जितना को बोल सके, तो इधर भी रेट हैवी होंगे। हाँ, बता रहे हैं ना, एक अपार्टमेंट 1 करोड़ों में तो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर चीज एक आपको वीआईपी अपार्टमेंट मिलेंगे, और एक फैमिली तो भाई एक दम से सेट हो जाता है, इजी रह लेते हैं, इजी रह लेते हैं खुले तरीके से। और भाई ने भाई अपना एक जो उनका टारगेट होता है मोशी भाई का, एक खाने पीने का, वो उनको कहीं ना कहीं से मिल जरूर जाता है। अब देखो ना, जब जो बंदा एक खानों से प्यार करता है उसको पता चल जाता है टारगेट कहाँ है, और ये बहुत बड़ी लंबी मकदार में लगे हुए हैं। हाँ, बहुत सारे उन्होंने दिखाए हैं, और भी वैसे भी शॉप्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।